हाय नमस्ते। और किस किस को इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में कन्फ्यूजन रहता था बचपन में, ये 26 जनवरी रिपब्लिक डे होता है कि इंडिपेंडेंस डे होता है। आज का बड़ा सवाल, करते हैं डिबेट स्टार्ट। भाई मैं तो बहुत कंफ्यूज होता था, अब तो मुझे समझ आ गया है, 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे होता है ना। नहीं हाँ, एनी वे, सो टुडे वी आर गोइंग टॉक अबाउट अ लिटल अबाउट द कंट्री। और ओकेजन है, देखिए 15 अगस्त आ गई है। तो जब मैं बचपन में था, बहुत छोटा था मैं, तब मैं क्या बोल रहा हूँ यार। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत बेवकूफ़ था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं एक मूवी आई थी बॉर्डर, तो जिन जो लोग अभी अभी कल पैदा हुए हैं उनको नहीं पता होगी कौन सी जेपी दत्ता की एक मूवी थी बॉर्डर, बहुत ही खतरनाक मूवी। उस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसे देशभक्ति की पिक्चरें बनती नहीं थी, आजकल तो ट्रेंड बन चुका है। बॉर्डर जब रिलीज हुई थी तो बॉर्डर में क्या था, बॉर्डर में इंडिया पाकिस्तान की वॉर थी। तो मुझे समझ, भाई मैं उस टाइम पता नहीं कब, 1997 में आई थी क्या मूवी, लेट मी चेक, बॉर्डर मूवी 1997, यस आई वॉज, सो यार 1997 में आई वॉज 6 ईयर्स ओल्ड। 6 साल के बच्चे को क्या पता भाई क्या झगड़ा चल रहा है दो देशों के बीच में। आई यूज टू थिंक बॉर्डर का मतलब होता है लड़ाई, वॉर। तूने मेरी पेंसिल अपने बैग में गेर ली? मैंने तेरी पेंसिल नहीं ली है। मेरी पेंसिल दे दे मुझे, मैं बता रहा हूँ, मैं मार वार दूंगा। सोनू कह रहा तूने देखा तुझे अपने बैग में गेरते हुए। सोनू झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं गेरी तेरी पेंसिल अपने बैग में। वे बॉर्डर मत करो। तुम लोग इस देश की अगली पीढ़ी हो, तुम लोग भी बॉर्डर में इन्वॉल्व हो गए, कैसे काम चलेगा, बॉर्डर से दूर रहो। भाई ये कौन से बॉर्डर की बात कर रहा है? इन्होंने फिर से लाइन खींच दी क्या? भाई मुझे इंडिया में ले लो, कहाँ है बॉर्डर? तो देखिए भाइयों, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बॉर्डर मत करना, ठीक है? कोई बॉर्डर नहीं करेगा आज एक दूसरे के साथ, सब भाईचारे से रहेंगे। उसके कुछ साल बाद आई LOC, कारगिल। ब्रो ये कॉन्सेप्ट तो मेरे सर के भाई एकदम ऊपर से ही निकल गया, मतलब LOC क्या लॉक, क्या मतलब भाई, कुछ नहीं मालूम LOC लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कुछ भी आइडिया नहीं, जीरो जिल्च, शून्य बटा सन्नाटा। मैंने फिर गलती कर दी अपने घर वालों से पूछने की, भाई ये क्या LOC मतलब क्या होता है? अरे पापा LOC का क्या मतलब होता है? LOC 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 का मतलब वॉर, लड़ाई झगड़ा, ठीक है जाओ। पापा आप तो मेरे से भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। अब लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होता है वो मुझे नहीं पता, बट यही होता है। मैथ का होमवर्क हो गया है कि बनाओ तेरे माथे पे LOC अभी एक रैपट में, चला जाए यहाँ से। अरे सुनो, हाँ बस बन गई यार चाय। अरे चाय नहीं यार, ये LOC का मतलब पता है क्या तुम्हें, समझा दो हमें थोड़ा सा। आजकल कोई भी एरा कह रहा है कि बेइज्जती करके चला जा रहा है। उसके बाद बहुत कशबकश के बाद जब मुझे एक्चुअली समझ में आया कि लाइन ऑफ कंट्रोल होता क्या है, ब्रो मेरा तो दिमाग घुमा। मैंने कहा भाई ये इंट्रूडर्स ने आके हमारे कश्मीर को कब्जा कर लिया है, ये कब हुआ? भाई तुझे पता था कि आतंकवादियों ने कश्मीर पे कब्जा कर रखा है? हाँ मेरे को तो पता है, यू आर टॉकिंग अबाउट द लाइन ऑफ कंट्रोल ना। भाई तुझे पता था कि आतंकवादियों ने कश्मीर पे कब्जा कर रखा है? या इनफैक्ट ये अभी की बात नहीं है, द इंडो पाक कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1947। अरे भाई ये कौन है यार, बच्चे कब से इतनी पढ़ाई करने लग गए? ये तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। ब्रो दिस इज 2003, ओके, द टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग सो फास्ट, यू हैव टू मूव रियली क्विकली टू कीप अप विद द वर्ल्ड। आई रेड इट ऑन रेडिफ। ये रेडिफ क्या होता है? रेडिफ इज अ वेबसाइट ब्रो, ये वेबसाइट क्या होता है? अ वेबसाइट इज अ पेज दैट यू सर्फ ऑन द इंटरनेट, अरे भाई ये इंटरनेट क्या होता है? द वर्ल्ड वाइड वेब, व्हाट वर्ल्ड आर यू लिविंग इन मैन। थैंक यू, मेरे को सब समझ आ गया। पापा आपने बोला था मैंने आपको मैं इंटरनेट लगवा लो, MTNL लगवा लो। मेरा खून खौल गया, मैंने कहा मैं बोल नहीं सकता वो जो मैंने बोला था। मैंने कहा मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है, अब तो भाई आर्मी ज्वाइन करूंगा और बता दूंगा इन सबको। मैंने और मेरे दोस्त पीले चश्मे वाले दोनों ने डिसाइड कर लिया था दैट वी आर गोइंग टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी। ब्रो अब वक्त आ चुका है कि अब हम भी इस देश के लिए कुछ करें। अच्छा वक्त आ गया है क्या? हाँ ओके
बड़ी जल्दी आ गया वैसे, बट कोई बात नहीं चलो। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि कितना कितना टफ होता है इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना, जाना वहाँ पर देहरादून जाना पड़ता है, तो पता नहीं क्या क्या कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। सो प्रीटी अर्ली ऑन इट वॉज एविडेंट टू अस, समझ आ चुका था कि ये हमारे बस की बात तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आर्मी स्कूल को जो जो एकेडमी थी, जो इंस्टीट्यूट था, उसको बाहर से देखने का की भी क्षमता नहीं थी, वहाँ तक जाने का भी हमारे पास संसाधन नहीं था तो उसके अंदर जाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उसके बाद भाई जो फोर्स के लिए रेस्पेक्ट बढ़ी दिल में कि भाई ये सब इतनी मशक्कत करके, इतनी जद्दोजहद, इतनी मेहनत के बाद फोर्स को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद अपनी अपनी जान दांव पे लगा देते हैं, जो रेस्पेक्ट बढ़ी दिल में, नेक्स्ट लेवल। समझ आ गया था भाई ये हमारे बस की बात तो है, ये लोग जो भी ये काम कर रहे हैं ये कुछ अलग ही दुनिया के हैं, ये हम नॉर्मल लोग नहीं है ये। फिर बड़े होने के बाद मुझे मौका मिला, ये तो जेन्युइन बात है, ये कोई मजाक की बात नहीं। मैं एक्चुअली जाके कुछ कुछ मैंने साइट्स देखी जहाँ पर ये लड़ाई लड़ी गई थी, एंड आई फील रियली फॉर्चुनेट कि मैं यहाँ जा पाया। बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि हम एक महान देश में पैदा हुए हैं एक्चुअली। लाइक व्हेन यू गो टू दिस प्लेसेस यू एक्चुअली फील दैट, वो इतना सब अंदर इंटरनल लड़ाई झगड़ा और करप्शन और ये पॉलिटिक्स और ये सब तो चलता रहता है, बट एक्चुअली व्हेन यू आर एट द स्पॉट तब लगता है कि हाँ भाई कुछ बात तो है। सो या आई फील रियली फॉर्चुनेट, वेरी ग्रेटफुल कि ये सब एक्सपीरियंस मैं कर पाया। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थोड़ी बहुत बातचीत करनी थी मुझे अपने देश और अपनी आर्मी, अपनी फोर्स के बारे में। सो दीज वर द मेमोरीज दैट आई हैड, कैसे मुझे धीरे धीरे पता लगा बचपन से बड़े होते होते कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, हमारे देश के कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हैं, और कितनी मेहनत और शिद्दत लगती है ये सब काम करने में, जो मैं तो डेफिनेटली नहीं कर सकता। सो या If you like this video, if you like my experiences, my thoughts, hit like on this video and subscribe to the channel if you're new. We shall see you again in the next one. Till then, my three advices: stay safe, work hard, be happy, and hello dear.